नो डाउट इस रेसिपी को आप वेट लूज़ करने में यूज़ कर सकते हैं, ये वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसे आप एज अ ब्रेकफास्ट या चाय के साथ सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन करे आप इसे सर्व कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हमें लगता है ना कि आज हम कुछ चटपटा सा खाएं, लेकिन किचन में बहुत देर तक ठहरने का मन नहीं करता। बस इसी वजह से cookingexam.in पर आज हम लेकर आए हैं काले चने से बनी सिंपल व हेल्दी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है चना। मैंने 2 कप चना इस तरीके से ले रखा है और ये काला चना है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे हमें भिगाना है 8 घंटे के लिए कम से कम। तो हम इस तरीके से पानी डालकर इसे 8 घंटे के लिए ज़रूर से छोड़ देंगे। और 8 घंटे बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पानी का कलर कैसा हो चुका है। तो इस पानी को फेंकिएगा नहीं, अपने प्लांट्स को दीजिएगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी आपके हेल्थ के साथ में। और साथ ही में इस चने को हमें धुल लेना है 2 से 3 पानी अलग पानी को लेकर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा चना है ये जस्ट डबल हो चुके हैं अपने साइज में। तो इस तरीके से अच्छे से पानी स्ट्रेन कर लेना है और अच्छे से धुल लेना है 1 से 2 पानी से। और साथ ही में हम यहाँ ले लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डालते हैं शुद्ध घर का बना सरसों का तेल, और इसी के साथ हम डाल देते हैं यहाँ पर जीरा, और इसी जीरे के साथ हम डाल देंगे लहसुन मिर्च बारीक कट करके। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं, और इस तरीके से हमें स्टर कर लेना है। और इसी के साथ में हम रेडी कर लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को, थोड़े से लंबे कुछ इस तरीके से कट करके, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये मैंने बिल्कुल छोटा नहीं काटा है, लंबा लंबा कटा है जैसे कि आप नॉर्मली कट करते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, विदिन 1 मिनट लगातार चलाते हुए इनके लच्छे अलग करने हैं। और जैसे ही इनके लच्छे अलग हो जाते हैं थोड़े से, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हम यहीं पर हम डाल देते हैं हमारा चना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्याज और चने का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है बिना किसी तेल मसाले के। तो यहाँ पर हमने डाल दिया हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें हमें शुरुआत में ही डाल देना है, और उसके बाद हमें लिड लगा देना है। हमें ध्यान क्या देना है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसे हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए या 6 से 7 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, और वो भी 1 से 2 मिनट में लगातार स्टर करते रहिएगा। ऐसा करने से होता क्या है कि जो हमारा चना है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, और साथ ही में बहुत मॉइस्चराइज बनेगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे आप बहुत ज़्यादा देर तक के लिए पका देते हैं तो जो चना होता है ना वो हार्ड हो जाता है, फिर खाने में मज़ा नहीं आता। प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है इस कंडीशन पे, और जो हमारा चना है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। बस मिर्ची थोड़ी सी बढ़ा के डालिएगा, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। तो इसी के साथ इसे हम सर्व कर देते हैं। इसमें आप धनिया पत्ती वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इस रेसिपी की अच्छी बात क्या है, क्या पता चलिए आपको? हाँ, तो चलिए फिर उंगलियों पर गिनते हैं। नो डाउट इस रेसिपी को आप वेट लूज़ करने में यूज़ कर सकते हैं, ये वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसे आप एज अ ब्रेकफास्ट या चाय के साथ सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन करे आप इसे सर्व कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।